हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लंबाई बढ़ाने का तरीका बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। गैस पे मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। गैस को मैंने बिल्कुल लो करके रखा है। इसी के अंदर एक कप ये मखाने ले रही हूँ मैं। मखाने आपको बिना घी तेल के अच्छे से रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपको गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। क्या किसी पाउडर को खाने से बच्चों की हाइट बढ़ जाती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन एक एज रहती है। उसी एज में अगर आप बच्चों को पाउडर खिलाते हैं तो ही बच्चों की हाइट बढ़ती है। लड़कियों की 18 साल से 19 साल के समथिंग आप समझ लीजिए, और लड़कों की 21 से 22 साल के बीच में। कई लड़कों की मुश्किल रहती है, 24-25 साल तक में भी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन इसके अंदर ही बच्चों की हाइट बढ़ती है। उसके बाद हाइट बढ़ने के जो चांस रहते हैं बिल्कुल ना के बराबर कम हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ज्यादा एज के बच्चों की हाइट बढ़ती है। इसे आपको अच्छे से रोस्ट करना है। जिस तरीके से मैं आपको पाउडर बनाना ये बता रही हूँ, आपको भी सेम उसी तरह से ये पाउडर बनाना है, तो ही आपको 100% फायदा मिलेगा। ज्यादा छोटे बच्चों को ये रेसिपी हमें बिल्कुल भी नहीं देनी है, नहीं तो क्या बच्चों को हो सकता है नुकसान कर दें, क्योंकि छोटे बच्चों के लायक ये रेसिपी नहीं है। आपको हाइट का पता ही चल जाता है कि बच्चों की हाइट हमारी 12-15 साल के अगर आपके बच्चे होते हैं, जब भी आपको आइडिया लग जाता है कि हमारे बच्चों की हाइट कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी। अगर मम्मी पापा की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी थोड़ी ही बढ़ती है, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते। लेकिन पाउडर देने से 1-2 इंच तक का आपको फर्क महसूस होगा, 1-2 इंच तक बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको बच्चों को एक्सरसाइज भी कराना जरूरी है, जैसे बच्चे वॉकिंग कर रहे हैं, रस्सी कूदना है, स्विमिंग करना है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी रहती है जिनसे हाइट जो तेजी से बढ़ती है। स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज रहती है वो जरूर कराइए बच्चों को, उसके साथ में इस पाउडर को आपको देना है, तो 100% बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। छोटे बच्चों के लिए पाउडर बनाना मैं नहीं बता रही हूँ। ये पाउडर आप 12-15 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, इससे छोटे बच्चों को आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं आपके अधिकतर क्वेश्चन के जो आंसर रहते हैं वो वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दे सकूं। इसे बस हमें लो फ्लेम पे अच्छे से सेकना है, क्रिस्पी होने तक। अभी ये पूरी तरह से क्रिस्पी नहीं हुआ है, कुछ दबाने पे क्रिस्पी है और कुछ अभी थोड़ा सा ये सॉफ्ट है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश का सीजन आ गया है। इसे आपको फ्रिज में स्टोर कर रखना है, आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अब क्या बारिश का सीजन आ रहा है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसे आप फ्रिज में ही रखेंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। नहीं तो कई बार हम डिब्बे के अंदर से पैक करके रख देते हैं, बाय चांस चम्मच गीला लग जाता है तो उसमें तुरंत फफूंद आ जाएगी और पूरा हमारा पाउडर जो है खराब हो जाएगा, उसे आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। क्योंकि फफूंद आने के बाद अगर खाना है तो मतलब बीमारी को ही बुलाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मुझे मखाने को करते हुए 3-4 मिनट का समय हो चुका है। देखिए इस तरह से दबाने पे तुरंत ही टूट जाता है, मतलब काफी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। गैस को मैंने बिल्कुल लो ही रखा है। इसे आप एक बर्तन में अलग रख दीजिए ठंडा करने के लिए। 1/4 कप ये मैंने बादाम लिए, सादी बादाम का मैं यूज कर रही हूँ। मामरे की जो बादाम आती है उसका आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा वो गर्म रहती है, कई लोगों को सूट होती है, कई लोगों को सूट नहीं होती है। 1/4 कप काजू। सारे ड्राई फ्रूट्स हम एक साथ में सेकेंगे, क्योंकि मखाने जो है इसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने में टाइम लगता है, बाकी चीजें सेकने में हमें टाइम नहीं लगेगा। इसे बीच बीच में आप चलाते जाइए, नहीं तो क्या नीचे से चिपक के जल जाएगा। 1/4 कप ये पिस्ता। इन सारी चीजों को बिल्कुल हमें हल्का सा ही रोस्ट करना, ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना,
ताकि इसमें जो नमी रहती है वो बस हमारी खत्म हो जाए। एक से दो मिनट का समय लगेगा बस इसे रोस्ट होने में। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से रोस्ट हो गए। काजू में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से निशान अभी आ गए हैं। बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ, इसे आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। गैस पे मैंने सेम पैन रखा है, ड्राई फ्रूट्स को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, गैस को मैंने बिल्कुल बंद करके रखा। गैस आपको चालू नहीं करना क्योंकि पैन जो है हमारा काफी ज्यादा गर्म है। मैंने एक चुटकी केसर व्हाइट पेपर के ऊपर लिया। आपको भी कोई भी व्हाइट पेपर पे लेना, न्यूज़पेपर का यूज इसमें नहीं करना है। इसे बस इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके इसे आपको इस तरह से रखना है, बस इस तरह से थोड़ा सा इसे हमें दबाना है हल्का सा। इसलिए मैंने लकड़ी का चम्मच रख दिया है। सिर्फ हमें इसे एक से दो मिनट तक ही रखना क्योंकि गर्मी का टाइम है। पैन जो हमारा काफी ज्यादा गर्म है वो काफी देर तक ही गर्म भी रहेगा। सिर्फ हमें एक से दो मिनट तक इसे रखना है ताकि इसकी जो खुशबू है और जिसका कलर है काफी बढ़िया हो जाता है। इस तरह से इस रेसिपी में आपको केसर को इसी तरीके से डालना है, सादी केसर आपको इसमें नहीं डालना है। मुझे इसे रखे हुए डेढ़ से दो मिनट का समय हो चुका है। इसे आप निकाल कर अलग कर दीजिए। इसे मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। देखिए इसका कलर भी आप देख सकते हैं और एकदम बढ़िया ही क्रिस्पी हो जाती है। इसकी खुशबू भी जो है काफी अच्छी आने लग जाती है। इसे मैं हमेशा फ्रीज के अंदर ही स्टोर कर रखती हूँ केसर को। केसर है, ड्राई फ्रूट्स है, इसे आप फ्रीज में रखिए। इससे लंबे समय तक अच्छे भी रहते हैं और उनकी खुशबू भी और टेस्ट भी बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ये भी हमारी ठंडी हो चुकी है, एक मिनट में ही ठंडी हो जाती है। ड्राई फ्रूट्स मेरे काफी अच्छे से ठंडे हो गए। इस तरह से आपको छूने पे बिल्कुल भी गर्म नहीं लगना चाहिए। मैंने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट पंखे की हवा में रख दिया था, काफी अच्छे से ठंडे हुए। मिक्सी का जार जो आपको रहेगा उसे आपको बिल्कुल सूखा और साफ लेना है, बिल्कुल भी आपका गीला नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मिक्सी को आपको थोड़ा सा रुक रुक के चलाना है, एकदम कंटिन्यू नहीं चलाना है। इसका हमें पाउडर बनाना है लेकिन रुक रुक कर चलाना है, नहीं तो अगर हम एक ही बार में ज्यादा लंबे समय तक अगर मिक्सी को चलाते हैं तो मिक्सी गर्म हो जाएगी और बादाम है हमारी, काजू है, पिस्ता, इन सबका ऑयल जो है वो बाहर आने लग जाएगा। ये पाउडर जो हमारा थोड़ा सा चिपचिपा स्टिकी बनके तैयार हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ये हमारे काम का नहीं है। वो दूध में भी अगर इसे हम डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं घूरेगा और इसी तरह से उसे हम अगर मुंह में खाएंगे तो मुंह में भी हमारे वो चिपकने लग जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है, लेकिन अभी इसे मैंने दरदरा ही पीसा है, एकदम बारीक नहीं करा। जो भी चीज अगर इसमें आप यूज कर रहे हैं आपकी बिल्कुल सूखी और साफ ही रहना चाहिए। इसी के अंदर जो हमने केसर को गरम करके रखा था इसे आप पूरा इसमें डाल दीजिए। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी हमारे साथ में पिस जाएगी। मिक्सी को बस रुक रुक कर चलाते जाइए। देखिए अभी भी हमारा जो पाउडर है दरदरा है लेकिन बिल्कुल भी स्टिकी या चिपचिपा सा नहीं हुआ है। ये देखिए पाउडर हमारा पिस के तैयार हो चुका है। कलर आप इसका देख सकते हैं हल्का सा लाइट ग्रीन टाइप का, थोड़ा सा येलो शेड, बिल्कुल लाइट ये कलर इसका हमारे पाउडर का आया है क्योंकि इसमें हमने केसर डाली और पिस्ता डाली। इन दो चीजों से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बस हमें इतना ही बारीक करना है। इससे अगर हम ज्यादा बारीक करने की इसे कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ने लगेगा क्योंकि हम ज्यादा छोटे बच्चों के लिए तो बना नहीं रहे, इसलिए इसे हमें छानने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इस रेसिपी को सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं तो इसके अंदर आधा चम्मच, आप आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही सोल्ट का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसे गर्मियों के मौसम में बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी सोल्ट का यूज नहीं करूंगी, नहीं तो गर्मी के अंदर बच्चों को ये गर्म कर देगा, नुकसान कर देगा। हमने कोई भी चीज में ऐसी नहीं डाली है जो बच्चों को नुकसान करेगी। ये देखिए पाउडर इस तरह से मेरे बन के तैयार हो चुका है। इसे मैंने
कांच की बोतल में ही रखा है, आपको भी इसे कांच के ही बर्तन में, किसी भी कांच के बर्तन में इसे आप स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। इसे पीसते समय अगर इसके अंदर आप चाहते हैं तो मिश्री भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या है, सामने में बारिश का मौसम आ रहा है, अगर इसके अंदर हम मिश्री या शक्कर को ऐड करेंगे तो हो सकता हो थोड़ा सा कभी पानी छोड़ दें तो पूरा हमारा जो पाउडर है खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी मीठी चीज का यूज नहीं करा है। मैंने एक ग्लास गुनगुना, एकदम गुनगुना भी, थोड़ा सा मतलब गुनगुना थोड़ा सा ज्यादा, इसमें अगर आप उंगली को डालेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म एहसास होगा। मैंने मिश्री का पाउडर लिया, हाफ टी स्पून, मीठा करने के हिसाब से जितना आपको इसमें पसंद है इसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें शक्कर का भी यूज कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आपके बच्चों को गुड़ का टेस्ट पसंद है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस है। मैं इसमें अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो बिना शक्कर के, बिना गुड़ के, बिना मिश्री के भी बच्चों को इसे पिला सकते हैं। अगर मीठा अगर बच्चा खाना पसंद करता है तो मिश्री जो है काफी ज्यादा बेस्ट है मिश्री, लेकिन मैंने थोड़ी सी जो बड़े डली वाली आती है, ये देखिए इस तरह से, इसे धागे वाली मिश्री भी कहा जाता है, इस टाइप की मिश्री मंगा कर मैं इसको कूट कर इसका पाउडर बनाकर रखती हूँ। बच्चों को मिश्री देना काफी ज्यादा फायदेमंद है, गर्मियों में ये फायदा भी करती है। इसी के अंदर हमने जो ये पाउडर बनाया था इसे एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे, इसे आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो बच्चे जैसे थोड़ी देर बाद, उठने के कम से कम आधे घंटे बाद बच्चा दूध अगर पीता है तो इस तरह से आप इसे थोड़ा सा गर्म बनाकर ढक कर रख दीजिए। 5 से 10 मिनट पे अगर ये ढक कर रखा रहेगा तो इसका जो फ्लेवर है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। आप देख सकते हैं केसर अच्छे से पीस गई है और छोटे छोटे पीस में ये अपना कलर जो है वो दूध में छोड़ती जाएगी। इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए देख सकते हैं आप छोटे छोटे से केसर के पीसेस दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो हमारा मखाने के अंदर जो थोड़ा सा ब्लैक पार्ट रहता है वो वाला है। अब इसी के अंदर हमें एक स्पेशल पाउडर डालना है, इसी के अंदर मैं ये अश्वगंधा का जो पाउडर आता है उसका यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, आप चाहें तो पतंजलि का ले लीजिए, जो भी आपके शहर में आपको आसानी से मिल जाए वो आप अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। एक ग्लास दूध के अंदर आप इसे हाफ टी स्पून ही डालिए स्टार्टिंग में, बिल्कुल हमें आधा चम्मच का ही यूज करना है। ये देखिए छोटा चम्मच है मेरा, मैंने इसे आधा ही भरा है। आपको इसे बहुत ज्यादा दूध में डालकर बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम मात्रा में ही दीजिए, उसके बाद 4-5 दिन आप देख लीजिए कि आपके बच्चे को ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसे आप बंद कर सकते हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही दीजिए इस तरह से, तो भी बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, लेकिन आपको बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव रखना जरूरी है। बच्चे पैदल भी अगर चलते हैं तो फायदा करेगा, बच्चे अगर सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने का जो काम रहता है वो भी करेंगे तो बच्चा अगर दुबला रहेगा, आपका जो बच्चा है वो अगर दुबला रहेगा तो उसकी हाइट जो है काफी तेजी से बढ़ेगी। अगर वो हेल्दी हो जाएगा तो उसकी हाइट जो बढ़ने का प्रोसीजर रहता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बढ़ती तो है लेकिन थोड़ी सी स्लो बढ़ती है, इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहे, खेलता कूदता ही रहे। बच्चा अगर एक जगह बैठ जाएगा, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो कई जगहों पे बच्चे सिर्फ बैठ जाते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है, बच्चों की हाइट बढ़ना भी कम हो जाती है, इसलिए बच्चों को आप खेलने दीजिए। घर में ही खेल रहे हैं तो घर में ही खेलने दीजिए, वॉक करने बाहर नहीं जा सकते तो आप बच्चों को घर में ही वॉक करने दीजिए। रस्सी अगर आपके घर में नहीं है तो बिना रस्सी के भी आप बच्चों को रस्सी कूदवा सकते हैं, बिना रस्सी के भी आसानी से, जिस तरह से रस्सी को हम पकड़ के कूदते हैं उसी तरह से आप बच्चों को आसानी से कूदा सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। इस पाउडर को 1 महीने तक कंटिन्यू डेली लेने से 1 से 1.5 इंच तक बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, लेकिन एज का आपको ध्यान रखना है। ये पाउडर हमें 12 से 15 साल तक के, मतलब 12 से 15 एज के बच्चों को आप स्टार्ट कर सकते हैं देना, उसके बाद 21 से 22 साल तक आप बच्चों को ये पाउडर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं है, ना ही इसमें हमने कोई केमिकल डाला है, ना ही कोई ऐसी चीज डाली जो बच्चों को नुकसान करेगी। बिल्कुल मैंने आपको ये आसान तरीके बताए, इसके अलावा बच्चों को दूध पिलाना जरूरी है, दूध दीजिए, दही दीजिए, पनीर दीजिए,
छाछ मट्ठा लस्सी दूध और दही की जो भी चीजें रहती है बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में आप कोई भी स्प्राउटेड चीज जरूर खिलाइए। मूंग है, मोठ है, चना है, जो भी वो खाना पसंद करता है। स्प्राउट्स हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी फायदा करेगा। नुकसान करने वाली इसमें कोई भी चीजें नहीं है। इसके अलावा बच्चों को फ्रूट्स जरूर खिलाइए। एप्पल है, केला है, जी हाँ बिल्कुल, पपीता तो आपको जरूर खिलाना है क्योंकि पपीता खाने से भी बच्चों की हाइट जो है काफी तेजी से बढ़ने लग जाती है। गर्मियों का टाइम है, बच्चों को पपीता आप डेली नहीं दे सकते तो एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के लेकिन पपीता जरूर खिलाइए। आगे मौसम जो है थोड़ा चेंज भी हो रहा है तो डेली भी अगर देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगी। इसके अलावा बच्चों से संबंधित काफी सारे पाउडर की रेसिपी, काफी सारी चीजें बच्चों से संबंधित मेरे चैनल में काफी सारी डली हुई, उसे आप जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।